जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे बेलपत्र की। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सावन के महीना में बेलपत्र चढ़ाने का बहुत ही महत्व है। भगवान शंकर यानी कि भोले बाबा बहुत ही दयालु हैं। एक लोटा जल से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में भगवान भोलेनाथ को गंगा जल के बाद बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। सावन का महीना आते ही श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से भगवान का जल से अभिषेक, पूजन एवं बेलपत्र अर्पित करते हैं। बेलपत्र तोड़ने का कुछ खास नियम है। बेलपत्र चुन चुन कर तोड़ना चाहिए, टहनी सहित न तोड़ें। जब भी आप बेलपत्र तोड़ें, बेल के वृक्ष को प्रणाम करें, उसके बाद ही आप बेलपत्र तोड़ें। अगर आपके पास ताज़ा बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उतार कर धो लें, उसके बाद भगवान शिव को आप अर्पित करें। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। भगवान भोलेनाथ को जब भी आप बेलपत्र अर्पित करें, बेलपत्र का चिकना वाला भाग शिवलिंग पर होना चाहिए। बेलपत्र न होने पर आप बेलपत्र का चूर्ण भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। इसका भी आपको बेलपत्र चढ़ाने के बराबर ही आपको फल प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी।